पब्लिक टीवी आपकी आवाज। दी केरला स्टोरी को भले ही पश्चिम बंगाल और केरल सहित कई प्रदेशों में बैन क्यों ना कर दिया गया हो, लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश ने इस फिल्म का क्रेज इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले छात्राओं में भी तेजी से बढ़ा दिया है, जिसकी वानगी आज मुरादाबाद के सत्यम सिनेमा में देखने को मिली, जहां पर बड़ी संख्या में मुरादाबाद के कॉलेजों में पढ़ने वाली सैकड़ों छात्राएं पहुंची हुई थी। केरल स्टोरी फिल्म को देखने के बाद इन छात्राओं ने थिएटर के अंदर ही भारत माता की जय के नारे भी लगाए और कैमरे के सामने आकर फिल्म में दिए गए मैसेज का भी भरपूर समर्थन किया है। इन छात्राओं का कहना है कि इस फिल्म ने उनकी आंखें खोल दी हैं। एक्चुअली आज हमने जो मूवी देखी है उसके थ्रू हमें यही समझना चाहिए, जैसे अभी हम कॉलेज लाइफ में हैं, कुछ बच्चे स्कूल लाइफ में भी होते हैं और जो यंग होते हैं, जो यंग एज के बच्चे आते हैं वो किसी से भी बिना जाने या पहचाने फर्स्ट टाइम में ही कोई अच्छे से बात करते हैं तो उस अच्छे से दोस्ती कर लेते हैं। हम ना उसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं ना उसके बारे में जानते हैं, बट हम उससे दोस्ती कर लेते हैं और हमको लगता है वो जैसे भी बिहेवियर हमको सामने से शो करता है वो ठीक है, बट ये बिल्कुल गलत होता है। एंड जो हमने आज मूवी देखी उससे हम बहुत इंस्पायर्ड हैं, क्योंकि इस मूवी को देखने के बाद सच में रियलिटी पता चली है। और एक्चुअली ये मूवी हर किसी लड़की को देखनी चाहिए, और इनफैक्ट लड़की को भी नहीं लड़कों को भी देखनी चाहिए, कि ऐसा मिसबिहेव या इस तरीके की जो धर्म को लेकर चीज़ें की जा रही हैं वो बिल्कुल गलत है। हमारा जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए और अपने धर्म को लेकर पूरा ज्ञान होना चाहिए, और किसी के भी कहने से हमें अपने धर्म को या फिर अपने बिहेवियर को नहीं बदलना चाहिए। सो मैं यही मैसेज दूंगी। केरल स्टोरी एक ऐसी मूवी थी जिसमें पूरी रियल स्टोरी को डिपिक्ट किया है, तो इस रियल स्टोरी को डिपिक्ट करके जो हमें मैसेज ये मिला है कि ऐसा नहीं कि हमें किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट करना चाहिए। जब हम किसी से दोस्ती करते हैं या फ्रेंडशिप करते हैं, चाहे वो लड़का हो या कोई भी लड़की हो, हमें उसको ऐसे उसकी बैकग्राउंड के बारे में भी सोचना चाहिए, और उसको ऐसा नहीं कि ऐसा मिली और हमने एकदम फ्रेंड बना लिया। एटलीस्ट उसको देखना चाहिए कि उसका बैकग्राउंड कैसा, उसका पास कैसा था, उसके बाद किसी से मिलकर दोस्ती करनी चाहिए। नहीं, ऐसा फिल्म बैन करना इज नॉट एट ऑल गुड। फिल्म बैन करना तो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल बकवास कर रहे हैं जो लोग फिल्म बैन कर रहे हैं, क्योंकि इस फिल्म से तो ऐसा मैसेज मिल रहा है कि जो ऑल ओवर इंडिया ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड सर्कुलेट हो रहा है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।